हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ लर्निंग विथ डॉक्टर डीजीबी। फ्रेंड्स, इस लर्निंग सीरीज में हम लोग जो है वो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में जो ट्रेड सेटअप हम लोग यूज़ करते हैं उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमने प्राइस एक्शन कंप्लीट कर लिया है, ट्रेंड लाइन हमने देखा है, ट्रेडिंग चैनल देखा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इंडिकेटर। इसमें हम लोग पीवट पॉइंट एंड सीपीआर इंडिकेटर के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रैंक वोचोवा सेज फॉलो द लीडर। फ्रैंक वोचोवा जी ने क्या कहा है, उनके सीक्रेट ऑफ द पीवट बॉस इस बुक में उन्होंने बोला है कि फॉलो द लीडर। और जब हम लोग इंडिकेटर की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें जो इंडिकेटर का लीडर है या जो लीडिंग इंडिकेटर है उसको हमें सीखना ज़रूरी है। बाकी जितने भी ऑसिलेटर्स एंड इंडिकेटर्स है मार्केट में अवेलेबल, वो सारे लैगिंग इंडिकेटर है। पहले मूवमेंट प्राइस में होता है और उसके बाद में इंडिकेटर हमें सिग्नल देता है। बट पिवट पॉइंट ये ऐसा इंडिकेटर है जिसमें हमें इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली और मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो हमें पहले से ही पता होता है या पहले पता चलता है और फिर प्राइस उसको फॉलो करती है। तो फ्रैंक ओचोआ सेज फॉलो द लीडर, और उन्होंने पीवट पॉइंट एंड सीपीआर ट्रेडिंग के बारे में अपने बुक सीक्रेट ऑफ द पीवट बॉस में ये बहुत अच्छे से बताया है कि ये इंडिकेटर कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ होता है, इसमें क्या करना पड़ता है हमें ट्रेडिंग के लिए। तो ये यहाँ पे काफ़ी स्लाइड मैंने इसी बुक से ली हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप ये बुक पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे पिवट जो होता है वो स्टैंडर्ड पिवट आता था पहले, फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्रैंक ओचोआ जी ने क्या किया, उन्होंने एक्सटेंडेड पिवट फॉर्मूला डाल के ये स्टैंडर्ड पिवट में और दो लेवल्स उन्होंने ऐड की है। तो पहले क्या होता था, स्टैंडर्ड पिवट यूज होता था और इसमें पिवट पॉइंट R1 यानी रेजिस्टेंस 1, R2 यानी रेजिस्टेंस 2, R3 यानी रेजिस्टेंस 3 होता था और सपोर्ट में S1, S2 यानी S3 सपोर्ट होता था। तो ये जो पिवट जो है ये पिवट क्या है, पिवट पॉइंट क्या होता है? तो अ पिवट पॉइंट इज अ टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर और कैलकुलेशंस यूज टू डिटरमाइन ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट, वेयर आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट ओवर द डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो ये जो हमारा इंडिकेटर है ये हमें कैलकुलेशंस देता है और उस कैलकुलेशन से हमें मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और कहाँ पे मार्केट में सपोर्ट लेवल से, कहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल से ओवर द डिफरेंट टाइम फ्रेम, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए। तो पिवट पॉइंट की जो लेवल्स निकल के आती है वो निकल के आती है एवरेज ऑफ द प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोज। जो प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस होती है उस प्राइस से आज के डे के पिवट लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स निकल के आती है। और ये जो लेवल्स होती है वो कैसे आती है, तो उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें जो पिवट जो पॉइंट है उसकी जो निकल के आता है, तो प्रीवियस डे हाई प्लस प्रीवियस डे लो प्लस प्रीवियस डे क्लोज डिवाइडेड बाय 3। इससे हमें जो मेजर पिवट लेवल है वो निकल के आती है और इसके ऊपर 3 रेजिस्टेंस लेवल आती है और इसके नीचे 3 सपोर्ट लेवल आती है। तो ये कैलकुलेशंस आपके सामने दिया हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें जो हम जो भी कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जैसे ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे तो ये आप पिवट पॉइंट वहाँ पे डालोगे तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके हमें वो लेवल्स
ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो हमें ये फॉर्मूला से कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें ये कैलकुलेशन करना पड़े, बट हाँ डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि ये पिवट लेवल कहाँ से निकल के आ रही है। तो ये निकल के आ रही है प्रीवियस डे यानी लास्ट डे के हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस से, और ये जो इंडिकेटर है ये टोटली डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस है, तो ये प्राइस से डिराइव हुआ है, इसलिए ये प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में मेजरली ट्रेंड क्या है, मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे है, मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है या ये जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं ये टाइम फ्रेम में चेंज नहीं होते। जैसे हमें अगर कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो अगर हम लोग 5 मिनट में कोई इंडिकेटर लगाते हैं तो उसका जो लेवल आ रहा है वो 15 मिनट में चेंज हो जाता है, 30 मिनट में चेंज हो जाता है, बट जब हम लोग पिवट फॉर्मूला लगाते हैं और हमारी पिवट की लेवल्स निकल के आती है तो हमें 5 मिनट चार्ट में भी वही लेवल निकल के आएगी जो 15 मिनट में रहेगी, वही 30 मिनट्स में आएंगी। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि यहाँ पे जब हम लोग पिवट का स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, ये पिवट लेवल से हमें पता चलता है। नेक्स्ट जो है ये इंडिकेटर से हमें मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, ये हमें पता चलता है, और ये पता चलता है प्रीवियस डे के हाई लो और क्लोजिंग प्राइस से। मतलब आज मार्केट क्लोज होने के बाद में अगर हम लोग ये फॉर्मूला कल के लिए लगाते हैं तो हमें कल के लिए कौन सी लेवल रेजिस्टेंस करके एक्ट होने वाली है और कौन सी लेवल जो है सपोर्ट बन के आने वाली है ये पता चलता है। तो और ये पता चलता है ये फॉर्मूला से। तो यहाँ पे देखो हमने ये ब्लैंक चार्ट लिया है, यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट में ट्रेंड कैसे बना, बट जब हम लोग पिवट पॉइंट लगाते हैं तो ये यहाँ पे देखो ये रेड वाला हमारा पिवट पॉइंट आ रहा है और पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद इमिडिएट मार्केट ने फर्स्ट रेजिस्टेंस को टच किया और ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने के बाद में इमिडिएट मार्केट ने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, R2 के आसपास जाके यहाँ पे हमें मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आता है यहाँ पे ये रेजिस्ट करता है, जब भी मार्केट या इस लेवल पे आता है यहाँ पे रेजिस्ट करता है और इसके ऊपर जब क्लोजिंग कर देता है तो हमें नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाती है। तो जब प्राइस पिवट के ऊपर चलती है और बुलिश साइन देती है, यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन में यहाँ पे डोमिनेटिंग कैंडल एंड मॉर्निंग स्टार से हमें बाइंग का सिग्नल जनरेट हुआ और उसके बाद में हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद में वो ब्रेक होने के बाद में सेकंड रेजिस्टेंस, हमें ये अब ऊपर के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखे। तो ये जो है ये है स्टैंडर्ड पिवट, बट जब फ्रैंक ओचोआ साहब ने उनके सीक्रेट ऑफ द पिवट बॉस में उन्होंने एक्सटेंडेड फ्लोर पिवट ऐड किया हुआ है, तो उन्होंने एक्सटेंडेड फ्लोर पिवट में कौन से पिवट ऐड किए हैं। स्टैंडर्ड पिवट में हमने देखा था हमारे पास पिवट था R1 था, R2 था, R3 था, S1 था, S2 था और S3 था, बट यहाँ पे जो फ्रैंक ओचोआ जी है उन्होंने R4, S4 एंड टॉप सेंट्रल पिवट एंड बॉटम सेंट्रल पिवट ये चार लेवल्स और ऐड की हुई है, और ये हमें और अच्छे से मार्केट की जो लेवल्स है या मार्केट का जो ट्रेंड है या मार्केट में मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है ये स्टैंडर्ड पिवट से भी ज़्यादा अच्छी तरह से हमें बताता है। और इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी जैसे हमने पिवट में देखा था कि प्रीवियस डे हाई लो और क्लोज से निकल के आता है, एक्सटेंडेड फ्लोर पिवट का फॉर्मूला भी प्रीवियस डे हाई लो और क्लोज से निकल के आता है। तो मतलब आज डे क्लोजिंग के बाद में हम लोग कल के लिए सब मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और पिवट लेवल्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशंस लेवल होती है ये हमें
जब हम लोग चार्ट पे देखते हैं तो ये हमें इस प्रकार देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा पिवट होता है, उसके बाद में ऊपर पे टॉप सेंट्रल पिवट, बॉटम सेंट्रल पिवट, और R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3 एंड S4, ऐसे चार लेवल्स निकल के आती है सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। और जब हम लोग चार्ट में इसको जाकर लगा के देखते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार दिखता है चार्ट में, कि ये हमारी चार सपोर्ट लेवल से और ऊपर के साइड में चार रेजिस्टेंस, और ये बीच में हमारा जो है यहाँ पे CPR दिख रहा है। और जब भी प्राइस इस CPR के ऊपर, मतलब टॉप सेंट्रल पिवट, बॉटम सेंट्रल पिवट एंड पिवोट के ऊपर जब प्राइस सस्टेन होती है तो मार्केट में एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रही है। तो ये जो है टॉप सेंट्रल पिवट फॉर्मूला जो है, इसमें हमने देखा कि सेंट्रल पिवट रेंज के फॉर्मूला में हमने क्या लेवल्स देखे। हमने देखे एक पिवट होता है, उसके बाद में टॉप सेंट्रल पिवट होता है, बॉटम सेंट्रल पिवट होता है, और R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4, और इस प्रकार से हमें एक्सटेंडेड लेवल्स यहाँ पे हमें मिलती है जो स्टैंडर्ड पिवट में नहीं होती है। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा CPR है, जिसमें पिवट, टॉप सेंट्रल पिवट एंड बॉटम सेंट्रल पिवट, ऐसे तीन लाइन से हमारा CPR बनता है। और ये जो CPR है, इसकी विड्थ से हमें मार्केट का काफी अच्छे से ट्रेंड एनालिसिस करते आता है, या फिर इसके रिलेशन से, प्रीवियस डे टू नेक्स्ट डे रिलेशन से हमें मार्केट में क्या चेंजेस होने वाले हैं ये भी पता चलता है। तो ये जो CPR है, ये CPR की विड्थ और CPR का रिलेशन विथ प्रीवियस डे CPR, और इसमें से हमारा ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन, एंट्री, वेयर टू कीप अ स्टॉप लॉस, वेयर टू टेक अ प्रॉफिट, ये जो लेवल से ये निकल के आती है। और अपकमिंग वीडियोस में हम लोग ये रिलेशन विद द CPR एंड ये विड्थ जो होती है CPR की, इससे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसी बनने वाली है ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CPR ट्रेडिंग में ये CPR इंडिकेटर का यूज़ कैसे करना है, और ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना कैसे है, आज मार्केट साइडवेज है, आज मार्केट ट्रेंडिंग है, ये कैसे पता करते हैं हम लोग CPR ट्रेडिंग से, ये हम लोग आगे के आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप ये सीरीज देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।